भोले। सांप देखा, सांप ऐसे गिर जाता, वॉल स्पिन हो रही है अभी। चलो शाबाश, ये तो बाहर जा रही थी। कल ही साफ करी थी और अभी वापस से देखो पूरे मिट्टी मिट्टी हो गए। मैं मन भी नहीं करता अब सुबह से साफ करने का। प्लस लास्ट व्लॉग में आप लोगों को शायद बता दिया था कि अब वो कोई क्लीन करने के लिए नहीं आता कार अपनी। आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन दो तीन दिन से ही। बट एक चीज है कि अगर दिन में आप साफ करके निकल रहे हो तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि मिट्टी लग जाएगी। इट इज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग और आप लोग भी होपफुली संडे वीकेंड आप लोग अच्छी तरीके से गया होगा। बट एक टास्क है अभी, मेरे को एडिटिंग भी करनी है जो मेरे को व्लॉग आज डालना है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी तो डाल दी है कि व्लॉग आ जाएगा बट मैंने अभी तक एडिट नहीं करा है। बाय द वे आज तो मैं कीपिंग भी करने वाला हूँ। ऑल्सो मैं आज अकेले ही जा रहा हूँ, मेरे साथ सिर्फ मैं जिनको जानता हूँ राहुल भाई होंगे जिनके साथ मैं पहले खेला करता था बहुत पहले क्रिकेट मैचेस। मतलब मान लो कॉर्पोरेट क्रिकेट शुरू ही उनके साथ करी है मैंने। एंड दिस ग्राउंड इज नियर बहादुरगढ़, अगर गेवरा नाम अगर आप डालोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। बाय द वे मेनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट ग्राउंड फीस की कितनी होती है। सो 6000 अगर अच्छे से अच्छा ग्राउंड हो तो पर टीम कभी कभी लगता है। डे नाइट की बात करो जो लास्ट कॉर्पोरेट मैच तो कभी भी भैया वगैरह ने भी मेरे से इतने पैसे नहीं लिए टू बी ऑनेस्ट। मतलब प्लस मैं विकेट कीपिंग भी करता तो बहुत सारी टीम को विकेट कीपर्स की जरूरत होती है कॉर्पोरेट टीम में बिकॉज सब नहीं करते हैं। आज रेलवे क्रॉसिंग भी खाली मिली है। सो देयर इज दिस रेलवे क्रॉसिंग को दिखाता हूँ आप लोगों को। सो देयर इज द रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ पे क्या होता था कि हम लोग मान लो यहाँ पे फंस गए ग्राउंड में, बोल रहे थे हम लोग भी बस दो मिनट में आ गए। बट हम लोगों को पता है कि सामने ट्रेन जा रही है तो उसको टाइम लगेगा ही लगेगा, 5 से 10 मिनट। दिस इज द गेवरा वेस्ट रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आप लोग भी अगर खेलना चाहते हो तो अपनी टीम बनाओ और खेलना शुरू करो। क्रिकेट यार सिर्फ शौक वाली बात है, हम सब लोग थोड़ी खेल पाते हैं इंडिया के लिए। बट इट इज अबाउट, रुको मैं कॉल करके पूछो से कौन से ग्राउंड में मैच, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्राउंड बने हैं। आगे तुम बेटा, भैया कौन से वाले ग्राउंड में है बेटा? फाटक क्रॉस करके यू टर्न मार लिया। हाँ यू टर्न ले रहा हूँ बस। सर जस्ट रीच ग्राउंड, पीछे इस फर्स्ट ग्राउंड में हमारा मैच है। देयर इज अनदर ग्राउंड उधर, बट यहाँ पे जो पास वाला ग्राउंड था इसको तो पूरा ही खेत बना दिया यार। ये तो मेरा फेवरेट ग्राउंड हुआ करता था। एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग को, अगर पीछे वाला ग्राउंड देखना, वो खेत नहीं था, दैट वाज अ ग्राउंड। सबसे ऊपर जो लिंक होगा देखना, उसमें सब दिखाया है इस ग्राउंड के बारे में। कोई बस उतना लंबा छक्का ना मारे कि हमारी कार पे आके लगे। होपफुली पूरी की पूरी टीम नहीं है एक्सेप्ट 2 गाइस जिनसे मैं पहले बात करता था, जिनके साथ खेलता था। बट इट विल बी न्यू एक्सपीरियंस अगेन, नई टीम नए लोगों के साथ खेलेंगे एंड इनके साथ भी मैं खेला करूंगा राहुल भैया के साथ, क्योंकि संडे संडे हर बार पॉसिबल नहीं होता भव्य का, क्योंकि वो लोग टूर्नामेंट्स खेलते हैं। आज भी उनका मैच था बट मैं उनके साथ खेल नहीं सकता अभी क्योंकि उनका सेमीफाइनल है और मैं एक भी मैच खेला नहीं टूर्नामेंट का। बट यहाँ की पिच, फैमिली यहाँ पे थोड़ी आउटिंग कर रही है, कुछ लग गया पुराने दिन याद आ गया यार। होती है ऐसी चीजें नॉस्टैल्जिक, हैशटैग नो फिल्टर, बट शर्म तो आ रही है सबसे बात करने में। एक बार मेरे से बात कर लोगे ना मैं ऐसे फिर मैं खुल जाता हूँ, बट फिर बाद में ऐसे लगते है कि कौन जाएगा यार, कौन जाके बात करेगा। पहले हम इंट्रोवर्ट हैं, बट एक बार बात होनी शुरू हो गई फिर तो हम भी नहीं रुकते। अभी टॉस होने वाला है, लेट्स सी बैटिंग आती है बॉलिंग। नहीं नहीं ठीक है, टारगेट देख के खेलेंगे। सब लोग टॉस जीते थे, वी इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। पहला ओवर खत्म हो चुका है, 12 रन आया, थोड़ा सा लूज ओवर गया है। बॉल है, थर्टी टू फॉर 3 ओवर्स। बॉल अभी गई है बाहर खेतों में। मीडियम पेसेस को स्टंप निकालने की और बैट्समैन को बॉल खोने की जो खुशी होती है ना, वो कोई मैच नहीं कर सकता। यहाँ इतनी गर्मी भी नहीं लग रही क्योंकि आसपास खेत है ना, तो अच्छी ठंडी हवा चलती है। इस ग्राउंड का यही एक खासियत है। आज तो मैं बैटिंग करने में मजा आएगा। मैंने एक GoPro की बैटरी और खरीद ली है, सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। बस मेमोरी कार्ड मेरा एक है कि 64 GB का, वो भी 2 घंटे का प्लेबैक ले लेगा। बहुत यार 2 घंटे का क्या घूमा गाइस बॉल। बहुत बढ़िया राहुल भैया, ग्राउंड में इन्वेजन हो चुका है एक डॉगी का। झूला हुआ बॉल लास्ट बॉल वाला ही। ओए बोले, जलेबी स्पिन आ रही है, शाबाश। बोल
यार एक सीधा वाला तेज बोले गुड ओवर गुड ओवर मेड इन ओवर निकाल दिया बहुत बढ़िया कैरी नहीं कर रहा है इनकी इतनी स्पीड नहीं है अंपायर ऊपर से कर रहा हूँ कोई नहीं लेग पे आ जाते लेग पे बॉल आ गई है विकेट कीपर में ऊपर ही कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आगे ना निकले क्रीज से जो खेलना खेले लेट्स गो देखते हैं अब एक बार बाहर वाली बॉल अरे मजे करा दी बॉल नाइस वन ये वाला डालो बस टांग पे नहीं वहां पे फील्ड नहीं है इसलिए रन गया है बॉल है ये बोले लास्ट ओवर मेडन था शाबाश लास्ट ओवर एक्शन रिप्ले भैया शाबाश स्पिन समझ नहीं आ रही है अभी भी बोल यार प्रेशर में बहुत बढ़िया राहुल भैया बोले वेल लेफ्ट गाइस वेल लेफ्ट शाबाश बहुत बढ़िया ये भी डॉट हो गया तो दो मेडन हो जाएंगे भैया के बोले दो मेडन हो गया राहुल भी आ गए बहुत बढ़िया सो स्कोर कार्ड है 7 ओवर 40 रन 0 विकेट विकेट एक भी नहीं गिरी है बट ठीक है यार रन नहीं बन रहे तो वो भी एक विकेट की तरह ही है प्रेशर तो हम लोगों ने बना ही रखा है चलो शाबाश शाबाश भाई चल भाग दो भाग जा छूट जाएगी यार की पहली बॉल और विकेट मिल गया हम लोगों को कैच उछली थी मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट के पास बहुत अच्छा मिड विकेट में एक फील्डर था मतलब मैं तो नहीं पहुंच पाया था 50-50 था पकड़ सकते चलो चलो केतन में बहुत बड़े केपिंग है मेरे को लग गया था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा सेमी ओवर की लास्ट बॉल पे विकेट मिली हम लोगों को सो दे आर 3 विकेट्स डाउन 12 ओवर 80 रन 3 विकेट गिर चुके हैं सो दैट्स द स्कोर कार्ड फॉर नाउ नहीं वो पता क्या वो बैकफुट पे ना ऐसे कट ही मार रहा है और ये केतन पकड़ रहा बॉल तो इसके पीछे लगाने की हर बैटिंग में मजा आएगा अच्छे खासा रन भी अगर बन जाए 130-140 सो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है कुछ 85 रन ही है 12-13 ओवर हुआ है साइड चेंज हो गया 25 ओवर का मैं ऐसा बताना भूल गया था स्टार्टिंग में गुड कीपिंग बहुत बढ़िया है 12 ओवर पकड़ के चलेंगे तो हम लोग मैच अब बड़े आराम से देखना सा हमारे को फील्डिंग पर फोकस करना है अब टाइम फोकस फील्डिंग का है वन मोर कैच इट नाइस वन अभी तक विकेट मेडन चल रहा है मैजिक कर दो कर दो मेडन आने वाला है गाइस एक और क्या 3 बॉल हो चुकी है विकेट मेडन चल रहा है अभी बोले ये तो बाहर जा रही थी 3 मेडन एक विकेट बहुत बढ़िया राहुल भाई बहुत बढ़िया आपका अरे नाइस सिंगल ले रहे ही नहीं है उनको गुड वन बॉयज ओ बूम शाकालाका नाइस वन बॉल आगे का था या पीछे का बोले सिंगल निकल गया बोले नाइस वन राहुल भैया योर्स आ जाओ बहुत बढ़िया यार 195 रन ही खाए हम लोगों ने 25 ओवर में बन तो जाएंगे यार कोई बड़ी बात नहीं है बाकी आज कीपिंग करके जो मजा आया वापस से कॉन्फिडेंस आया यार पुराने वाला और इस वाले ग्राउंड में तो नॉस्टैल्जिक वाली वाइब आ रही है कि सामने के छक्के देखते हुए भी ऐसे लग रहा है मजा आ रहा है बॉलिंग टीम जा रही है बॉल करने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे खाने का ऑर्डर करते हैं सो दिस इज द प्लेस वेयर पहले भी हम बताते थे अंडा मैगी सुबह खाते थे सर्दी में मेरा पता नहीं कौन सा डाउन है पैड वगैरह करवा दिए आई गेस 1 डाउन या 2 डाउन होगा अकॉर्डिंग टू द बैटिंग सिचुएशन हमारा ओपनिंग प्लेयर क्या करके देते हैं लेट्स सी इनिंग स्टार्ट हो गई है अपनी अंशुमन भैया और आईडी भैया जा रहे हैं 7 और 18 नंबर जस्ट 2 hours later हम लोग ऑलमोस्ट जीतने वाले हैं सिर्फ 50 रन चाहिए जीतने के लिए मेरी बैटिंग नहीं आई 3rd डाउन के लिए मैंने बैट करे हुए थे बट राहुल भैया एंड आईडी भाई दोनों के दोनों बढ़िया खेल रहे हैं दोनों की 200-200+ की स्ट्राइक रेट है थोड़ा बहुत बैट में बॉल लगाने के लिए मिल जाए तो मजा आ जाएगा बट बढ़िया मैच था इन्हें ऑल मैच अच्छा खेलने को मिला दिस इज द फर्स्ट स्लॉट जो आप लोगों को गर्मियों में खेलने को मिलता है 7 to 10:30 या 11 चलता है फिर सेकंड स्लॉट होता है एक फिर थर्ड स्लॉट भी हो जाता है कभी कभी 3 से लेके 5:30-6 बजे तक की गर्मियों के टाइम पे थोड़ी सी रोशनी रहती है तो तीसरा मैच भी कभी कभी हो जाता है बट वो अभी नहीं होता शायद वो मे के टाइम पे होता है क्योंकि उस टाइम पे दिन लंबे होते हैं बट हम लोग प्रेफर करते हैं कि सुबह का पहला स्लॉट ही मिल जाए ताकि ये गर्मी जो है सेकंड स्लॉट से तो बिल्कुल नहीं खेला जाता हम लोग 2 या 3 बार ही खेले होंगे सेकंड स्लॉट वो भी अकेडमी के टाइम के उस समय 40-40, 50-50 ओवर का खेल जाते थे मैच
राहुल भाई के भी 50 हो गए और एडी भाई के हमारे हो गए 100 रन। बढ़िया जी चल रहा है, खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, 7-8 रन ही चाहिए सब। हमारे कैप्टन देखो बाउंड्री के अंदर दिशा बंद बन रहे हो जतन भैया। एक रन चाहिए बस अब जीतने के लिए। सो मैच हो चुका है ओवर, 7 विकेट के साथ हम लोग जीत चुके हैं। थर्ड विकेट डाउन टार्ट कर रहा था, बट आज इस बार बैटिंग ही नहीं आई, बट कोई नहीं, इट्स ग्रेट संडे, टीम जीत गई है मोस्ट बार, क्योंकि 195 का चेज करना, 196 हम लोगों ने चेज करे हैं। Nice one, nice one भैया, nice 50, nice 100, thank you for the ground भैया। राहुल भाई की यहाँ भी मूछ है और यहाँ भी मूछ है, बट सबसे पहला काम जो है मेरे को करना वो एडिटिंग है। मैंने अभी तक एडिटिंग नहीं करी, लास्ट व्लॉग में बोल दिया कि संडे को व्लॉग आ रहा है, मैंने एडिटिंग नहीं करा अभी तक। क्या होगी इस गाड़ी के अंदर बैठने का एक टास्क होगा, क्योंकि इतनी गर्म होगी और मैं सारे दरवाजे पहले खोल दूंगा। ओ, मेरी कार खुली उड़ी थी मैंने, बट एनीवेज कुछ चोरी करने लायक तो था नहीं गाड़ी में, सीट गंदी हो गई है। मैन मर गया भाई, मैं मर गया हमारी फुल एसी फुल प्लीज। ओ माई गॉड, कुछ ना कुछ करके जस्ट रीच बैक होम, अभी ऊपर जाते हैं। मेन चीज आप लोगों को पता है मेरे को क्या करनी है, जो आज की डेट को सताएगी एडिटिंग। लेट्स गो, दोपहर के 2 बजे से बैठा हुआ एडिटिंग करने के लिए, शाम के 6 बज चुके हैं, फाइनली एडिटिंग खत्म हो चुकी है। अब इसका मैं टाइटल सोचा था, बट इस साल के एंड तक यहाँ पे 6 पैक एब्स होने चाहिए। क्या चल रहा है, हाउ संडे गोइंग? बोरिंग चल रहा है, बोरिंग संडे तो अच्छा संडे होता है, रिलैक्सिंग सा चल रहा है। ओ ठुक गया, ट्राइकल बन गया यहाँ पे। ओ भाई गई, डेंट पड़ गया। हंस मत, अरे उनकी लड़ाई हो रही है, रोड रेज हो रहा है। इनकी एक्साइटमेंट देख लो गाइस। और गाइस क्या हालचाल, मिसेस करा नहीं करा? नो 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 नो। कैसा रहा आज का दिन? के दिन बहुत ही बढ़िया था, मजा आया मैच खेलने में। बैटिंग ही नहीं आया मेरी बैटिंग से डर गए वो लोग, या फिर हम ये लोग जीते इस वजह से क्योंकि इनकी बैटिंग नहीं आई। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब इसमें मिट्टी है, इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको पानी डालना पड़ेगा ताकि ये सब केतन वाचिंग केतन। आज टाइम नहीं है तो आज गाइस केतन ने क्या एडिट करा है आज व्लॉग, थैंक यू सीरियसली, मतलब अभी हमने इतना ही देखा है, आई एम इंप्रेस्ड बाय योर एडिटिंग स्किल्स ओनली। ओह इंप्रेस्ड बाय योर एडिटिंग स्किल्स ओनली। चलो के भाई के मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। फिर बोलते मेरी गंदी शक्ल डालते हैं व्लॉग में। बैठ के भी आईपीएल देख रहे थे, एमआई का यहाँ पे 72 पे 4 आउट हो चुके हैं, मेरे को लगता है ऐसे जीतेंगे, अब तो इनका सीजन तो खत्म हो चुका है। और 3 ओवर पहले बोल रहे थे लौंडे की देखो 100 रन है, अब ऐसे मारते हैं, मैं कहा कोई बस के नहीं मारना, बोला डाल रखे हो सकता है, पता नहीं नहीं होता यार, अब तो नहीं जीतती यहाँ से। ये ले ब्रॉड वार्म अप कर रहा है, अभी जानता नहीं है तू, अभी वार्म अप कर रहा है, पसीना आने दे उसको एक बार, फिर देगा छक्के पे छक्के। तू कैसे जानता उसे? अरे भाई यहाँ बोल देगा मजा आ जाएगा, लग रहा है पूरा नाम क्या, पोलार्ड किरण पोलार्ड किरण पोलार्ड पोलार्ड सोलंकी। तुम्हें खेलने आते हो? नथी वो क्यूटी छक्का, तुम्हें नहीं आता गेट देखना, पता होता मेरे को देखना भी आता है भाई। तुम्हें पता है टाइम होता था कि एक टाइम थे पहले कि रेडियो पे तो मैच देखो, तुम मैच सुनो रेडियो पे अगर अनाउंसमेंट, तो उसमें एक बॉल होता था पहले, एक बॉल पहले दिखा देते थे, मतलब बोलते थे अनाउंस करते थे एक बॉल पहले, हां मतलब करते थे आगे वो गेम टीवी पे, पहले गेम बता देते थे वो टीवी पे आने वाला है, पहले बता दिया। अरे मतलब टीवी पे आने से पहले जो होता है ना, एक और पहले टेलीकास्ट कर रहे हैं कि ये हो जो होने वाला है, ये हो रहा है और ये होने वाला है, एक बॉल पहले। सही में मजाक से टीचर है, अरे इसको होता है जल्दी अनाउंस यार, सीधी एक बार डब मार दे टिंपल ले दे, मतलब क्या कह रहे हैं एक बॉल पहले बता देते हैं, एक बॉल के पहले कैसे बता देंगे क्या हो चुका है, बताते हैं भाई वो बॉल हो गई। मैं बोल रहा हूँ अगर ये बॉल चल रही है उस रेडियो में आ जाएंगे कुछ रन पड़ चुके हैं ऑलरेडी, ये बोल रहा हूँ। देखिए रन अप लेगा और वो बोल देंगे 3 रन पड़ गए, हाँ और 3 पड़ जाते थे, हाँ अबे यार ये, अरे इसके कहने का मतलब ये है कि टीवी टेलीकास्ट जो है वो स्लो चलता है कंपेयर टू रेडियो। हाँ काम लगे रेडियो पे लाके, अबे चौका पड़ेगा वो तो पागल है, देख
चौका पड़ता था, मतलब छक्का पड़ेगा वैसे, रोको फ्लिप किया मैंने भाई। सावन तेरा टीवी स्लो है क्या? रेडियो फास्ट है ये देख रहे 103। सो आई एम फाइनली बैक होम एंड गाड़ी को नजर ना लगे इसलिए मैं गाड़ी साफ ही नहीं करता हूँ। अब लोगों को लगेगा ही नहीं ना कि हाँ यार नई गाड़ी भी, अब थोड़ी सी पुरानी लगेगी आराम से। इसको मैं दो दो तीन तीन दिन बाद धोया करूंगा। आई होप गाइस आप लोगों को व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया नहीं रुको रुको आलू कचौड़ी है और इसके बाद मैं समोसे भी खाऊंगा और राज कचौड़ी खाने का भी मन है। और आलू कचौड़ी इसने कल भी खाई थी, जस्ट सेम चीज ऑर्डर करी है इसने, काला जा रहा था। मैच देखो मैच, ये रोज आलू और कचौड़ी खा सकता है। अरे क्विंटन डी को खाऊंगा, ये कितना सही है, इनकी सीट भी कितनी सही है, बेस्ट है।